मेरा नाम शरद है। मैं सन 1985 में आईडीपीएल टाउनशिप के सी टाइप में रहा करता था। आईडीपीएल टाउनशिप में करीब 2000 सरकारी क्वार्टर्स थे जो डिफरेंट ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज थे। उन दिनों मेरे पड़ोस में एक फैमिली शिफ्ट हुई थी, मिस्टर एंड मिसेस रावत और उनके दो बच्चे आशीष और सुनीता। बच्चों की उम्र कुछ 14-15 साल के आसपास रही होगी। आशीष और सुनीता पढ़ाई और स्वभाव में दोनों में ही बहुत अच्छे थे। कुछ दिनों में ही वो परिवार पूरी कॉलोनी के साथ घुल मिल गया था। एक बार किसी कारण मिस्टर एंड मिसेस रावत को 3 दिन के लिए अपने गांव जाना पड़ा और बच्चों के उन दिनों एग्जाम चल रहे थे, इसलिए वो अपने साथ बच्चों को नहीं ले गए। अगली सुबह बच्चे अपना एग्जाम देकर स्कूल से 12 बजे के आसपास घर वापस आ गए थे। घर वापस आने के बाद बच्चे घर से बाहर नहीं निकले। मैंने सोचा शायद एग्जाम्स के चलते बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। शायद ऐसा ही कॉलोनी के और लोगों ने भी सोचा होगा, पर अगली सुबह बच्चे एग्जाम देने बाहर नहीं निकले। इससे मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर सोचा शायद एग्जाम के बीच में छुट्टी ना हो। दिन में करीब 12-1 बजे के आसपास मैंने उनका दरवाजा खटखटाया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस पर मुझे अब थोड़ा शक हुआ, तो मैंने कॉलोनी के और लोगों को इकट्ठा किया। 1 बजे के आसपास ज्यादातर आईडीपीएल के लोग लंच करने के लिए अपने क्वार्टर पर आते थे। फिर हमने मिलकर काफी आवाजें लगाई और अंत में हमने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाकर जो हमने दृश्य देखा वो बहुत ही भयावह था। दोनों बच्चों का गला कटा हुआ था और सामने दीवार पे खून ही खून था। दोनों बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों ने आखिर किया तो ऐसा किया क्यों। इस घटना के कुछ साल बीते और 2 साल बाद करीब 1987 में एक और फैमिली उस घर में शिफ्ट हुई, मिस्टर एंड मिसेस नौटियाल और उनका लड़का रोहित। रोहित 11वीं में था। रोहित पढ़ने में बहुत ही तेज था पर वह स्कूल बहुत ही कम जाता था, ज्यादातर टाइम घर में ही रहा करता था। पढ़ने में अच्छा होने के कारण टीचर्स से कंप्लेन नहीं आती थी। मिस्टर नौटियाल सुबह अपने ऑफिस जाते थे और दिन में मिसेस नौटियाल और उनका लड़का रोहित ही घर में रहते थे। उस दिन मिसेस नौटियाल दिन में करीब 3 बजे अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई और रोहित घर में अकेला था। करीब 1 घंटे में जब मिसेस नौटियाल वापस आई तो रोहित ने दरवाजा नहीं खोला। मिसेस नौटियाल ने मदद के लिए बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित ने चाकू से खुद की ही गर्दन काट दी थी और पूरे कमरे में खून ही खून था। इस घटना के 4 साल बाद उसी घर में आईडीपीएल हॉस्पिटल की एक नर्स शिफ्ट हुई। वो अकेली ही रहा करती थी। उनको शिफ्ट हुए अभी 4 ही दिन हुए थे। एक दिन सहसा दिन में 1 बजे के आसपास वो घर से भागती हुई बाहर आई और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। वहां बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। मैंने जाकर उनसे पूछा, मैडम क्या हुआ? वो बोली, मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे मेरा मन मुझसे कुछ बोल रहा हो। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि वो मेरे मन की आवाज नहीं थी, बल्कि कोई और मेरे मन में घुसकर मुझे सुसाइड करने के लिए बहका रहा था। जब मैं आज प्याज काट रही थी, मेरा मन मुझे कह रहा था कि चाकू से अपना गला काट लो और ऐसा करने से सभी दुख दूर हो जाएंगे, हमेशा के लिए सब अच्छा हो जाएगा। मैं लगभग ऐसा करने ही वाली थी कि मुझे एहसास हो गया कि ये मेरा मन नहीं है, बल्कि कोई और ही मेरे अंदर घुसकर मेरे मन की आवाज में मुझे ऐसा करने को कह रहा है। मैंने मैडम को बताया कि मैडम, इस घर में पहले 2 बार सुसाइड हो चुके हैं और वहां खड़े खड़े सभी लोग जो इस क्वार्टर का इतिहास जानते थे समझ चुके थे कि क्यों इस घर में बच्चों ने सुसाइड किया। तब से लेकर आज तक वो क्वार्टर खाली है और कोई वहां रहने नहीं आया।